दोस्तों आज हम एक ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में बात करेंगे जिसमें कि आप बहुत ही आराम से महीने के 1 से लेकर 7 लाख रुपए तक इजीली कमा सकते हैं। यह एक ऐसा बिजनेस है जिसका डिमांड काफी ज्यादा है और हर जगह है, चाहे वो छोटा शहर हो या फिर बड़ा शहर। और इसमें आपकी ज्यादा लागत भी नहीं आती है, यानी कि महीने में जो आपका खर्च होगा वो करीब 10 से 15 हजार रुपए के बीच में होगा, और वहीं आपकी अर्निंग जो होगी वो करीब 1 से 7 लाख के बीच में होगी। तो अपने आप में ये एक बहुत ही अच्छा बिजनेस है। तो आज के इस वीडियो में हम इस बिजनेस आइडिया के बारे में जानेंगे कि यह बिजनेस क्या है और यह कैसे काम करता है। दूसरा, हम जानेंगे कि इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी करनी होती है। तीसरा, हम इसमें अपनी कमाई के बारे में जानेंगे कि हम कितना कमाते हैं। और चौथा, मैं आपको एक ऐसा प्लान बताऊंगा जिससे कि आप इस बिजनेस को बहुत ही इजीली स्टार्ट कर सकते हैं और आपकी जो कमाई है वो बहुत जल्दी बहुत ज्यादा होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस बिजनेस में आप एक मशीन को अपने घर में लगाते हैं या फिर आप इसे किसी 10x10 स्क्वायर फीट के एरिया में भी लगा सकते हैं। इस बिजनेस मॉडल में आपकी मशीन जितनी चलेगी आपकी कमाई उतनी ज्यादा होगी। इस बिजनेस में आपके ग्राहक जो हैं वो खुद आपके पास आएंगे अपना रॉ मटेरियल लेके और आपके मशीन को यूज करके वो फाइनल प्रोडक्ट लेंगे। यानी कि आपका काम यह है कि उनका रॉ मटेरियल को अपने मशीन में यूज करना है और उनको फाइनल प्रोडक्ट देना है, और जितनी देर आपकी मशीन चलेगी आप उनसे उतना पैसा चार्ज करेंगे। यहाँ पर जो मशीन चलने की जो कॉस्ट होती है वो 1500 से लेकर 4000 रुपया पर घंटा होता है, जो कि डिपेंड करता है उनके मटेरियल के टाइप पे। दोस्तों, इस मशीन का नाम है CNC राउटर मशीन। CNC राउटर मशीन एक ऐसा मशीन है जिससे कि बहुत तरह तरह के प्रोडक्ट्स निकलते हैं। दोस्तों, हमारे देश में कंस्ट्रक्शन और फर्नीचर का एक बहुत ही बड़ा मार्केट है और इस प्रकार के बिजनेस में डिजाइन का बहुत ही अहम रोल होता है, चाहे वो फर्नीचर का डिजाइन हो, खिड़की दरवाजों का डिजाइन हो, सीलिंग का डिजाइन हो, लोहे के गेट का डिजाइन हो, मार्बल का डिजाइन हो, उसके ऊपर की गई नक्काशियां हो, टाइल्स के ऊपर बनी गई नक्काशियां हो, उनका डिजाइन हो, ये सारे प्रोडक्ट्स अपने डिजाइन के कारण ही बिकते हैं। पहले ये सारे डिजाइन्स कारीगर बनाया करते थे, अपने हाथों से बनाते थे, जिसमें कि काफी मेहनत लगता था, काफी टाइम लगता था और यह एक महंगा प्रोसेस होता था, यानी कि इसके कारण इसकी कॉस्ट जो है काफी ज्यादा हो जाती थी। मगर अब ये सारे काम एक मशीन कर देती है जिसका नाम है CNC राउटर मशीन। जी हाँ, आप इंटरनेट से कोई भी डिजाइन निकाल लें, उसको पेन ड्राइव में डालें और इस मशीन में लगा दें, यह मशीन वो डिजाइन को ऑटोमेटिकली किसी भी लकड़ी के ऊपर बना देगी, किसी भी मार्बल के ऊपर बना देगी, लोहे के ऊपर बना देगी, चाहे वो डिजाइन कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, 2D में हो, 3D में हो, ये सारे चीज ऑटोमेटिकली बना देती है और वो भी कुछ ही घंटों में। मतलब आपका काम यहाँ पे यह है कि आप यह मशीन अपने यहाँ सेटअप कर लें और बस इस मशीन को रन करें और बस पैसे कमाएं। यह काम आप अकेले भी स्टार्ट कर सकते हैं, इसके लिए आपको किसी हेल्पर की भी जरूरत नहीं है और ना ही आपको कोई बहुत ज्यादा स्किल की जरूरत है, क्योंकि आपको यहाँ पर बेसिकली सिर्फ मशीन को चलाना है और कुछ नहीं करना है, बाकी का सारा काम यह मशीन ऑटोमेटिकली करती है। आजकल छोटे शहर या बड़े शहर, हर जगह हर किसी को अपने घर में अच्छा फर्नीचर चाहिए होता है, अच्छा मार्बल वर्क्स चाहिए होता है, अच्छे दरवाजे, अच्छे खिड़कियां चाहिए होती है और उसके लिए तरह तरह की वो डिजाइन चाहते हैं, तो ये सारा काम यह मशीन ऑटोमेटिकली बना के देता है ना कमाल की बात। अगर हम इसके अर्निंग की बात करें तो यहाँ पे आप 1400 से लेकर 4000 रुपया पर आवर चार्ज कर सकते हैं, जो कि डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ मटेरियल, यानी कि लोहे के गेट पे नक्काशी का काम अलग है, लकड़ी के ऊपर किए गए डिजाइन का काम अलग है, मार्बल के ऊपर किए गए डिजाइन का काम अलग है, तो यहाँ पे जो प्राइसिंग होती है वो घंटे के हिसाब से होती है या फिर स्क्वायर फीट के हिसाब से भी होती है। तो अपने अर्निंग को समझने के लिए यहाँ पर हम 3 प्रकार का सिनेरियो लेके चलते हैं, एक नॉर्मल सिनेरियो, एक अच्छा सिनेरियो और एक बहुत अच्छा सिनेरियो, यानी कि बेस्ट सिनेरियो। नॉर्मल सिनेरियो में अगर हमारी मशीन सिर्फ 5 घंटे पर डे चलती है तो हमारी कमाई कितनी होगी। इस केस में अगर हमारा एवरेज अर्निंग पर आवर 1000 रुपीज है तो पर डे आप 5000 रुपया कमाते हैं और महीने में आप 1.5 लाख रुपए कमाते हैं। यहाँ पर अगर आप एक हेल्पर को रखते हैं जिसकी सैलरी आप 10000 रुपए देते हैं
और आपकी अदर इलेक्ट्रिसिटी और बाकी का कॉस्ट 10,000 रुपए होता है, तो आप हर महीने 1,30,000 रुपए कमाते हैं। इसी प्रकार अगर हम अच्छे सिनेरियो को देखें जिसमें कि आपकी मशीन करीब 8 घंटे चलती है और यहाँ पे आपका जो एवरेज प्राइस पर आवर है वो करीब 1,700 रुपए है, तो आप हर रोज करीब 13,600 रुपए कमाएंगे और इस हिसाब से आप एक महीने में 4,08,000 रुपए कमाएंगे। यहाँ भी आप एक हेल्पर के साथ काम कर सकते हैं और आपका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट आएगा इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी और मेंटेनेंस वो करीब 18,000 रुपए पर महीने का आएगा और यहाँ पर जो आपका नेट प्रॉफिट आया वो करीब 3,80,000 का आया। अब हम इसके बेस्ट सिनेरियो को देखते हैं, अगर आपकी मशीन 12 घंटे चलती है और यहाँ पर आपका एवरेज प्राइस पर आवर अगर 2,000 रुपए है तो आपकी पर डे की जो अर्निंग है वो करीब 24,000 हुई और आपका मंथली अर्निंग जो हुआ वो करीब 7,20,000 रुपए हुआ। यहाँ पे आप दो हेल्पर रखते हैं जिनकी सैलरी 20,000 रुपए हुई, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा और बाकी का खर्चा करीब 25,000 रुपए हो गया, तो आपका यहाँ पे टोटल कॉस्ट जो हो गया वो करीब 45,000 हो गया और यहाँ पे आपका जो नेट प्रॉफिट है वो है 6,75,000। तो आइए जानते हैं कि इन मशीनों की कीमत क्या होती है। इस मशीन की जो कीमत होती है वो करीब 4 लाख से लेके 8 लाख के बीच में होती है, जो कि डिपेंड करता है इसकी क्वालिटी पर, इसकी क्षमता पर। ये मैन्युफैक्चरर्स आपको इस मशीन को सेटअप करने में पूरी मदद करते हैं, वो आपको इसकी ट्रेनिंग भी देते हैं कि इसे कैसे ऑपरेट किया जाता है और वो इसका मेंटेनेंस भी आपको करके देते हैं। तो आइए दोस्तों आप जानते हैं कि इसमें हमारी गो टू मार्केट स्ट्रेटजी क्या होगी, यानी कि यह बिजनेस हम कैसे शुरू करें। तो इस बिजनेस को शुरू करने से सबसे पहले आप ये सर्वे करें कि आपके आसपास कितनी सीएनसी मशीनें हैं, यानी कि आपके शहर में, आपके गांव में या आपके आसपास के इलाके में कितनी सीएनसी मशीनें हैं, ये मशीनें हैं भी या नहीं है। जब आपको पता चल जाए कि वहां पे मशीनें नहीं है और डिमांड काफी ज्यादा है तब आप डिसाइड करें इस बिजनेस में आने के लिए। अब हम जानते हैं कि इसमें हम मार्केटिंग कैसे करेंगे। तो इसमें दो प्रकार की मार्केटिंग होगी, एक होगी डायरेक्ट मार्केटिंग और दूसरी होगी रेफरल मार्केटिंग। तो डायरेक्ट मार्केटिंग में यह आपको करना है कि आपको अपने शहर के, अपने गांव के, अपने आसपास इलाकों के हर फर्नीचर वालों से मिलना है, हर कारपेंटर से मिलना है, हर बिल्डिंग मटेरियल को सेल करने वाले दुकानों से मिलना है और उनको इस सीएनसी मशीन के बारे में बताना है कि आपने ये मशीन लिया है और आप हर तरह की डिजाइन बना के देते हैं। उनको अपना एक फ्री एल्बम दें जिसमें कि ये सारी डिजाइन के फोटोग्राफ्स हों जिनको कि वो अपने कस्टमर को दिखाएंगे और आपके पास वहां से बिजनेस आएगा। सेकेंड है रेफरल मार्केटिंग, यानी कि जो भी कारपेंटर, जो भी लेबर या जो भी मिस्त्री आपके यहाँ ग्राहक लाके आपको दे उनको आप 10% का कमीशन दें, 15% का कमीशन दें। इस तरह से आपकी वायरल मार्केटिंग होगी, आपकी रेफरल मार्केटिंग होगी और आपका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करेगा। आप देखेंगे कि पहले मंथ से ही आपको बिजनेस मिलना शुरू हो जाएगा। नए बिजनेस आइडिया पे मेरे और भी वीडियोस हैं जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में दे रखा है। इस वीडियो को देखने के बाद आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको हमारी सारी वीडियो टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।